चतुर्थी विभक्ति इति पाठ्यते उपशास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत व्याकरणांश। चतुर्थी विभक्ति सूत्रमस्ति सूत्रमस्ति क्रुद्ध द्रुहोरु सृष्टयो कर्म। सूत्रस्य वृत्तिरस्ति तत्कारकम् तत्कारकम् कर्म संज्ञं स्यात्। अर्थात उपसर्ग से युक्त यदि क्रुद्ध या द्रुह धातु का प्रयोग हो तो जिसके प्रति क्रोध या जिसके प्रति कोप समझा जाए वह कर्म कारक होता है। क्रुद्ध और द्रुह धातु उपसर्ग पूर्वक कैसा उपसर्ग तो उपसर्ग से युक्त क्रुद्ध और द्रुह धातु हो और जिसके प्रति कोप समझा जाए वह कर्म कारक होता है। उदाहरण अस्ति मभी उद्धरती अभी क्रूर मभी क्रुध्यति अभी द्रुह्यति वा। क्रूर अर्थात निष्ठुर पर क्रोध करता
करता है या क्रूर से द्रोह करता है। इसका हिंदी है निष्ठुर, अर्थात क्रूर से क्रोध करता है या उससे द्रोह करता है। क्रूरम, क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिद्रुह्यति वा। तो यहां उपसर्ग होने की वजह से क्रोध और द्रुह धातु के पूर्व उपसर्ग होने के कारण यहां चतुर्थी विभक्ति बाधित हो जाती है और कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति का यहां प्रयोग होता है। तो क्रूरम में यहां द्वितीय विभक्ति है और पूर्व कक्षा में चर्चा हो चुकी है कि उपसर्ग नहीं होने की स्थिति में चतुर्थी विभक्ति होती है। वहां सूत्र था क्रुद्ध द्रुहे स्यार्थानां यं प्रतिकोपः, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य अश्वी अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप हो वह संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण प्रस्तुत किया गया था हरये क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति अश्वीयति वा। तो उपसर्ग नहीं रहने पर पूर्वोक्त सूत्र से संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है और क्रुद्ध और द्रुह धातु के पूर्व उपसर्ग हो और जिसके प्रति को किया जाए तो कर्म कारक होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। सूत्रमस्ति राधिक्षोण्यस्य राधिक्षोण्यस्य भी प्रश्नः सूत्रस्य वृत्तिरस्ति एतयो कारकं संप्रदानं स्यात् यदियो विविधः प्रश्नः क्रियते। दो धातुओं की चर्चा है राध धातु और इक्ष धातु, राध धातु और इक्ष धातु। तो राध और इक्ष धातु के प्रयोग में जिसके संबंध में विविध प्रश्न किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है अर्थात महासंप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। राध धातु और इक्ष धातु के योग में जिसके संबंध में विविध प्रश्न किया जाए। उदाहरण अस्ति गर्गः कृष्णाय, गर्गः कृष्णाय राधयति गर्गः कृष्णाय राधयति इच्छते वा। कृष्ण के संबंध में विभिन्न प्रश्न पूछे जाने पर गर्ग कृष्ण के संबंध में शुभ अशुभ का विचार करते हैं। तो राध और इक्ष धातु के योग में जिसके विषय में प्रश्न किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ कृष्ण के विषय में प्रश्न किया गया इसलिए राध और इक्ष ये दो धातुएं हैं, इन धातुओं के योग में प्रश्न कृष्ण के विषय में किया जा रहा है गर्भ से
इसलिए कृष्णाय संप्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति हुई। प्रत्यांग प्रत्यांग ध्यान सुबह पूर्वस्य कर्ता सूत्रस्य वृत्तिरस्ति इदं सूत्रम् अस्ति सूत्रस्य वृत्तिरस्ति आभ्याम कर्ता परस्य श्रीनो ते योगे पूर्वस्य परिवर्तनरूपस्य व्यापारस्य कर्ता संप्रदानं स्यात्। प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रुधातु के प्रयोग में प्रति आंग प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक श्रुधातु के प्रयोग में कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला पहला कर्ता संप्रदान कारक कहलाता है। कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला पहला कर्ता संप्रदान कारक कहलाता है और उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है यथा विप्राय उदाहरणम विप्राय गान प्रति श्रृणोति आश्री नोति वा ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता है तो यहां विप्राय पूर्व करता है और इसमें इस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति हुई संप्रदान कारक हुआ और उसमें चतुर्थी व्यक्ति हुई। अनु प्रतिभिन्नस्त सूत्रमस्ति अनु प्रति घृणस्त आभ्यां घृणाते कारकं पूर्व व्यापारस्य कर्तृ भूत मुक्तं संज्ञं स्यात्। कह रहा है कि अनु और दो उपसर्ग है अनु और द्वि धातु है सूत्र में अनु और प्रति उपसर्ग है और द्वि धातु है तो अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक गृह धातु के योग में पूर्व व्यापार के कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। अनु और प्रतिउपसर्ग पूर्वक गृह धातु के योग में पूर्व व्यापार के कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है जैसे होत्रे होत्रे अनु गृणाति होत्रे अनु गृणाति प्रति गृणाति वा होत्रे हवन के लिए प्रतिज्ञा करता है तो हवन करता पहले प्रस्ताव रखता है उसके बाद यज्ञ कराने वाला प्रोत्साहित करता है तो यहां अनु और प्रति उपसर्ग पूर्वक द्वि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति हुई किस वजह से संप्रदान कारक होने से पुत्रे पुत्रे में
पुत्र यहां संप्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी व्यक्ति ही। परिक्रयणम सूत्रम अस्ति, परिक्रयणम संप्रदान वंजतरस्याम, संप्रदान मन्य तरस्याम, परिक्रयणम संप्रदान मन्य तरस्याम सूत्रस्य वृत्तिरस्ति नियत कालं भित्या स्वीकरणं परिक्रयणं तस्मिन् साधकतमं कारकं संप्रदान संयम वास्या। अब परिक्रयण किसे कहते हैं? सर्वप्रथम परिक्रयण किसे कहते हैं? तो नियत समय के लिए मजदूरी या वेतन स्वीकार करना परिक्रयण कहलाता है। नियत समय के लिए मजदूरी या वेतन स्वीकार करना परिक्रयण कहता है। उस परिक्रयण में अत्यंत सहायक साधन अर्थात कारक और विकल्प से संप्रदान कारक होता है। उसमें करण कारक और विकल्प से संप्रदान कारक होता है। कैसे? उदाहरण अस्ति पाक्षिक वेतन रूपे सतेर सताय वा परिकृतः पाक्षिक वेतन रूपे सतेर सताय वा परिकृतः पाक्षिक वेतन अर्थात एक पक्ष के वेतन के रूप में 100 रुपये के वेतन पर खरीदा, एक पक्ष के वेतन के रूप में 100 रुपये के वेतन पर खरीदा। यहां प्रस्तुत सूत्र से शतेर तृतीय विभक्ति भी और होती है और विकल्प से सतायवा चतुर्थी विभक्ति। परिक्रयणं संप्रदान मन्य तरस्याम अर्थात नियत वेतन के लिए मजदूरी और वेतन स्वीकार करना परिक्रयण कहलाता है। इस परिक्रयण में अत्यंत सहायक साधन अर्थात करण कारक होता है मूल रूप से, लेकिन विकल्प से वहां संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहां विकल्प से सताय में चतुर्थी है, अन्यथा तृतीया होती है।